हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइस, आज के हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सीधा छत से। तो गाइस, आज हम छत से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि छत पे आए हैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारे दो बाल्टी कपड़े, साथ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने टमाटर का पेड़। तो देखिए गाइस, ये टमाटर का पेड़ है जो मैंने बड़ी मेहनत से लगाया था और आज इसमें फल आते ना तो दिल को जो खुशी मिलती है ना, तो वही समझ सकता है जो अपने पेड़ पौधों से प्यार करता है। तो ये पेड़ मैंने लगाया तो बहुत मतलब मुझे खुशी मिलती है। मैं इसको आए दिन चेक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो गाइस, बस पेड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बस यही है मुश्किल की जगह नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा प्लांट नहीं लगा पाती हूँ। तो बस गाइस, यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ कपड़े वगैरह जो रात को धोए थे मैंने, और धूप थोड़ी सी अच्छी निकल गई है आज, तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह भी ऊपर सुखा देते हैं, टाइम से सूख जाते हैं टाइम से, तो शाम को आराम से उतार के ले आते हैं टाइम से। और कपड़े वगैरह सुख डालने के बाद मैं आ गई सीधा नीचे, और आज हम बनाने वाले हैं यम्मी यम्मी से राजमा। तो यहाँ देखिए राजमा मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और खूब अच्छे से फूले फूले हो गए थे। और राजमा मैं डालने वाली हूँ आलू। तो गाइस, कुछ लोग राजमा ऐसे बनाते हैं ना सिंपल तरीके से, मतलब सिंपल बिना आलू के बनाते हैं, खाली उसमें राजमा राजमा होता है, पर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे मेरी आदत है शुरू से ही कि आलू डाल के खाने की। तो यहाँ देखिए आलू वगैरह छील लूँगी और राजमा मैं डालूँगी। तो यहाँ मैं राजमा को बॉयल होने के लिए रख दूँगी, और राजमा मैंने अच्छे से चेक कर लिया कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं ना दाल राजमा छोले, तो एक बार देख लेना चाहिए कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। बोलो हेलो गाइस, कैसे कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी रियांशु ने हप्पा खाया? शुगर वाला हप्पा? हाँ। डांस करके दिखाओ जल्दी से। अनार। तो फ्रेंड्स देखो, मैं अनार लाई हूँ काटने के लिए। तो अनार कट करने सूखते जा रहे बेचारे, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैंने कहा इनको कट कर लेते हैं। ये देखो ये हरकतें, क्या क्या बात है, क्या बात है? बिस्तर कितना भी ठीक कर लो, हमारे रियांशु के होते हैं बिस्तर कभी ठीक नहीं रह सकता। ये देखो शेप डाल के चला गया। तो गाइस अनार छील लें, अनार छील लें, बहुत ज्यादा सूख गए हैं। व्हाट इज दिस? पौरी मिट। ओके, खाओगे आप अनार? तो देखिए गाइस, यहाँ पे बैठ गए हैं आराम से अपना अनार छीलने के लिए, क्योंकि अनार ना काफ़ी टाइम से रखे हुए थे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और ना बस वो ये छीलने का टाइम नहीं मिल पाता था, अगर छील जाते हैं ना तो खप जाते हैं। और गाइस यहाँ देखिए उसके बाद मैं अंदर आ गई अनार को छोड़ के, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ लहसुन। ये लहसुन हमें खाली पेट खाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है खाली पेट लहसुन। रात को भिगो के रख दो, उसके बाद सुबह खाली पेट पानी से निगल लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। घुटनों में दर्द हो, जो हमारा खून जो होता है कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी ठीक करता है, कहीं दर्द हो रहा है हाथ पैरों में उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो गाइज यहाँ देखिए आज हम बनाने वाले हैं फिर से टोस्ट। तो गाइज आजकल टोस्ट बड़े बन रहे हैं हमारे घर में, क्योंकि ना सब्ज़ी वगैरह मैं रात को बनाती हूँ ना तो वो थोड़ी ज़्यादा कभी एक्स्ट्रा बन जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ चलो मॉर्निंग में ब्रेक अपना ब्रेकफास्ट में ये टोस्ट ही हो जाएंगे। तो यहाँ ये सब्ज़ी बची हुई थी तो मैंने कहा चलो इसको टोस्ट बना देते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं टोस्ट खाने में और झटपट भी बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी सारी तैयारी हो गई है, साथ में लिया है म्यूनिस। तो गाइज मेरे को तो म्यूनिस डाल के ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, पर हस्बैंड जी को अच्छा लगता है म्यूनिस लगा के, तो उनके लिए ही बना रही हूँ ये। तो यहाँ पे बस हमारे यम्मी से टोस्ट बन जाएंगे। तो देखिए गाइज हमारे यम्मी से टोस्ट बन गए हैं, और अभी एक ही बनाया है और हस्बैंड जी को दे दूंगी। और अनार भी ना मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था छीलने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे भूख लग रही है पहले कुछ बना दो, तो मैंने कहा चलो अनार आप छील दो, तो उनको दे दी मैंने उसकी ड्यूटी। और बाकी यहाँ पे मेरे टोस्ट वगैरह बन गए हैं, और यहाँ देखिए हस्बैंड जी अनार छील रहे, और हमारा बेटा मोबाइल देखने में लगा पड़ा है। तो ये हस्बैंड जी को दे दिया था, अच्छे से उनको खिला दिया था, उसके बाद यहाँ पे मेरा नंबर आ गया गाइस खाने का। लेडीज़ों का ना लास्ट का ही नंबर होता है ना, हर घर की यही कहानी है भाई, सब पहले अच्छे से सबको खिला देती हैं उसके बाद अपना नंबर लगाती हैं खाने के लिए। चलो अच्छी बात है, खुशी मिलती है फैमिली के, सब लोग पहले खा लेते हैं अच्छे से। मुझे भी ना खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें बनाऊँ मैं, बस यही है कि बाबू की वजह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो मुझे ना बड़ा शौक था कुछ चीज़ें बनाऊँ नई नई ट्राई करूँ,
और अपनी फैमिली में सबको खिलाऊँ, बहुत अच्छा लगता था। तो कोई नहीं गाइस, जब रियाज बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद ये अपने सारे शौक़ पूरे करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर प्याज को अच्छे से धो लिया है और यहाँ उसके बाद उससे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बाबू के लिए दलिया। तो इसके लिए दलिया बना के मतलब चढ़ा दूँगी गैस पे, तो ये आराम से धीरे धीरे बनता रहेगा। फिर मैं अपने बाकी के जो भी मेरे काम है वो कर लूँगी, क्योंकि फिर बेटे को भी भूख लगती है ना, तो उसमें टाइम लगता है। क्योंकि अगर हम ऐसे पतीले में दलिया वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। कुकर में तो एक मिनट में बन जाता है, पर कुकर में तो सब्जियां जितनी हो सके कम ही बनानी चाहिए। कुकर का खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, पर गाइस क्या करें, कभी कभी हमें भी बनाना पड़ जाता है। तो यहाँ देखिए प्याज वगैरह मैंने अच्छे से टमाटर वगैरह डाल दिया है। तो ये मैंने कोई राजमा फिर शेयर नहीं करे, क्योंकि राजमा सिंपल है और सबको बनाने भी आते हैं। तो बस यहाँ सिंपल से राजमा बनाएंगे। और मैं यहाँ राजमा कुकर खोल के देख रही थी, चेक कर रही थी कि अच्छे से बॉईल हो गए कि नहीं हो गए। तो बस यहाँ पे हमारे फटाफट से यम्मी से राजमा बन जाएंगे। और गाइस आज ना मैंने कुछ थोड़े ज़्यादा ही राजमा बनाए हैं, क्योंकि सिस्टर को मैंने देने थे राजमा, मैंने उसको बोला था कि मैं राजमा बनाने वाली हूँ तो मुझे यहाँ से ही ले जाना, तो उसके लिए भी मैंने बनाए थे, इसलिए मैंने इतने सारे राजमा बनाए थे। और इतने सारे राजमा ना पहली बार बनाए मैंने, थोड़ा बहुत ही खाना बनाना पड़ता है, इतना बनाना नहीं पड़ता। तो ये देखिए गाइस मेरे राजमा ना कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे ये पतीले में डालने पड़े। तो फाइनली हमारे राजमा वगैरह भी तैयार हो गए। तो खाना पीना तो सब कुछ बन गया, उसके बाद हम आ गए यहाँ सफाई करने के लिए, क्योंकि ना यहाँ टीवी के पीछे ना बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी और टीवी ना मेरे से हटता नहीं था, मुझे डर लगता था कभी गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो हस्बैंड जी आज भी घर पे थे और अच्छा मौका था, काम वगैरह भी जल्दी हो गया था, तो मैंने कहा इसके पीछे सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सब जगह सफाई हो जाती थी, इसके पीछे ही नहीं हो पाती थी स्पेशली। तो देखिए मैंने यहाँ सब अच्छे से, बहुत अच्छे से, तसल्ली से यहाँ पे सफाई करी, एक एक कोना अच्छे से। मैं जब भी इस दीवार को देखती थी ना, मैं ये सोचती है कि इतनी गंदी हो गई, इसको साफ़ करना है, इतना साफ़ करना है। तो आज फाइनली इसका नंबर लग ही गया और बहुत अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर दी अच्छे से, जो इसके बटन वगैरह है हर एक चीज़ कोना कोना अच्छे से। रूम का मतलब रूम की एक वॉल भी अगर गंदी हो ना तो बड़ा अजीब लगता है। मैं सारी वॉल साफ़ कर देती थी, पर यही एक वॉल जो रह जाती थी, वो भी टीवी के पीछे पीछे का हिस्सा। तो आज फाइनली गाइस अच्छे से कर दिया है। और ये देखिए ये कप है हमारा, इसमें हमारी फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई है, शादी से पहले की फ़ोटोज़ है सारी। ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और उसके बाद गाइस यहाँ देखिए ये वॉलपेपर जो हमने लगाया हुआ है ना, ये वॉलपेपर बहुत अच्छा है, जब से हमने लगाया है ना तब से एक बार भी नहीं छूटा है। और इसके ऊपर कुछ भी अगर बाबू चला देता है ना तो वो सब साफ़ हो जाता है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि रियाज ने ना पेन वगैरह स्केच वगैरह बहुत कुछ इस पर चला रखा था। तो मैंने जूने की मदद से उसको पहले अच्छे से रगड़ा और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। तो गाइस बिल्कुल पैन वैन के निशान थे ना, वो सारे साफ़ हो गए, बहुत अच्छे से सफाई हो गई मेरे कमरे की, मतलब ऐसे लगा लो कि मेरा कमरा चमक गया। बाकी की जो और भी चीज़ें थी ना वो भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी। तो यहाँ बाबू की अलमारी के ऊपर जो भी सामान वगैरह रखा था, अपनी अलमारी, बेड, मतलब पूरा कमरा ही मैंने अच्छे से चमका दिया। तो गाइस सारा कुछ तो आपसे शेयर नहीं करा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाने वाली थी। और ये बेडशीट भी मेरी ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ पहुँच दिया, क्योंकि डस्टिंग ना ज़्यादा नहीं निकली थी, जो मैंने आराम आराम से ये सारी सफाई कर दी, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ना बीच बीच में सफाई, तो इतनी ज़्यादा गंदी की नहीं थी मेरे यहाँ। वही है ना, अगर आप बीच बीच में डीप क्लीनिंग करते रहो ना तो इतनी डस्टिंग नहीं निकलती है। तो यहाँ देखें गाइस, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो रहा है झाड़ू पोछा अच्छे से। तो गाइस आज बहुत अच्छे से कमरे को चमका दिया अंदर से लेके बाहर तक। तो गाइस काम वगैरह तो सारे हमारे ख़त्म हो गए थे और अब हम खा रहे हैं अपना खाना पीना, क्योंकि गाइस खाना खाने का उस टाइम मन नहीं था, क्योंकि टोस्ट वगैरह खाए थे ना तो पेट ऐसे भरा भरा सा हो रहा था। तो बस यहाँ पे अपना खाना वगैरह खाएंगे और खाना वगैरह खाने के बाद सीधा हम आपसे मिल रहे हैं शाम को। और शाम की चाय बन गई है हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए। तो गाइस शाम की चाय तो मेरी चली रही है बहुत टाइम से, जब से ठंड हो गई है पी लेती हूँ मैं। और गाइस उसके बाद यहाँ देखिए हम बना रहे हैं प्याज टमाटर की चटनी, क्योंकि राजमा रखे हुए थे, रोटी बनानी थी, बाकी हमारी बन रही है चटनी। हेलो गाइस, हमारा काम सब कुछ हो चुका है और हस्बैंड जी के लिए बन रही चटनी और रोटी वगैरह बनेगी, आटा वगैरह सब गूंद दिया है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड, क्योंकि अब कुछ और भी नहीं दिखाने के लिए। और यहाँ से गया है नीचे, तो बस काम वगैरह हो गया है, किचन वगैरह साफ़ करूँगी, थोड़े बहुत बर्तन है, बाकी दो बर्तन मैंने मार दिए और ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है मेरा। तो चलिए गाइस आज के वीडियो यहीं करते हैं एंड, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।